सल्फोनेशंस, यानी अब बात कर रहे हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ये आपके पास बेंजीन है, ठीक है, इसके साथ आपने H2SO4 ले लिया कंसंट्रेटेड, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर HSO3 अटैच हो चुका है, या SO3H आप बोल सकते हो, ये यहां पर अटैच हो चुका है। तो पहले NO2 आ रहा था, अब HSO3। ऐसा क्यों? तो मैं इसकी मैकेनिज्म कैसे सोचता हूं कि अगर HNO3 नहीं है तो H2SO4 ही आपस में एसिड और बेस का काम करेगा, क्योंकि वाटर तो है नहीं, एक प्रोटॉन देगा और दूसरा लेगा, प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो क्या बन जाएगा H SO4-, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा H3SO4+। ये माइनस H2O करके ये वाला पार्ट क्या बनाएगा HSO3+, ठीक है। इनमें कौन इलेक्ट्रोफाइल है इन दोनों में? ये बेंजीन पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा SO3H। तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट यही रहेगा, ओके। तो आप लिख सकते हैं सल्फोनेशंस ऑफ बेंजीन। अब नेक्स्ट हैलोजिनेशंस ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशंस ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशंस ऑफ बेंजीन का मतलब क्या? हैलोजन अटैचमेंट ऑन बेंजीन। तो इस रिएक्शन को देखते हैं, हैलोजिनेशंस ऑफ बेंजीन। ये आपके पास बेंजीन है, आपने Cl2 यूज किया, आपने FeCl3, FeBr3, AlCl3, कोई भी कैटलिस्ट रख दिया, कोई भी लुईस एसिड रख दिया इस तरह का, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर Cl अटैच हो चुका है, हैलोजिनेशन हुआ है प्लस HCl, सिंपल हैलोजिनेशन हुआ है। आ रही है बात समझ में? दूसरा, अगर आप का कंपाउंड ये है, थोड़ा सा इस तरह से रख रहा हूं मैं, तो देखिए इस जगह भी आपको हेलोजिनेशन देखने को मिलेगा, यानी किस जगह अटैच हो जाएगा Cl, यहां एलाइलिक पोजीशंस पर। आ रही है बात समझ में? और अगर आपके पास कंपाउंड ये है, एलाइलिक पोजीशन पे होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो वही आपने Cl2 लिया और AlCl3, Cl2 AlCl3, बल्कि AlCl3 नहीं रखोगे, गैस फेज में रखोगे तो भी आपके पास इस जगह ये वाले कंपाउंड बनने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन एक और पॉइंट जो आपके साथ है, ये आपके पास बेंजीन है और आपने एक्सेस में ले लिया एक्सेस और FeCl3, तो कुछ हद तक आपको ये वाला कंपाउंड देखने को मिल सकता है, यानी पॉलीमराइजेशन हो सकता है, एक सीएल आया फिर एक और आया फिर एक और आया फिर एक और आया, क्योंकि बहुत ज्यादा है, ज्यादा Cl2 है, तो फिर आपको 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो बेंजीन देखने को मिलेगा। यहाँ नंबरिंग की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 बोल रहा हूं तो 6 के अलावा कोई और पोजीशन तो है ही नहीं, तो इसको आप क्या बोलोगे? हेक्सा क्लोरो बेंजीन, हेक्सा क्लोरो बेंजीन। लिखें,